नमस्कार, बहुत स्वागत बा बिहारी न्यूज में। हम बानी रउआ सबके साथ अभय विशाल। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक मानल जाला। ये परीक्षा में सफल होखे वाला आईएएस आईपीएस और आईपीएस जैसन उच्च पद पर बैठेला, पर कुछ लोग के मंजिल सिर्फ ए पद तक ही पहुंचल ना रहेला, बल्कि उनका सपना और बड़ा होला। बहुत से लोग प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ के अन्य क्षेत्र में भी अपन परचम लहरावेला। कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसन बारे जो राजनीति में भी उच्च मुकाम हासिल कैले बारे। तो आज के वीडियो में हमनी जानल जाए कुछ ऐसन ही राजनेता लोग के बारे में जे अधिकारी के नौकरी छोड़ के राजनीति के दुनिया में बुलंदी के छुअले बारे। सबसे पहले बात कर जाए यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा के जन्म बिहार के पटना में भइल रहे। वो 1960 में आईएएस में शामिल भइले और 1984 तक ए पद पर बनल रहले। 1990 से 1991 में चंद्रशेखर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहले। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में विदेश मंत्री रहल रहले। अब बात करे के बाद मीरा कुमार के बारे में। मीरा कुमार के जन्म भी बिहार में भई रहे। बिहार के आरा में इनकर जन्म भई रहे। मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल भइली और करीब एक दशक तक इस सेवा से जुड़ल रहली। मीरा बिजनौर उपचुनाव में रामविलास पासवान और मायावती के हरा के 1985 में राजनीति में आयल रहली। 2004 में यूपीए सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नियुक्त भइल रहली। कांग्रेस ने 2017 में कांग्रेस मीरा कुमार के राष्ट्रपति पद खातिर भी चुनले रहले, लेकिन रामनाथ कोविंद से हार गईली। मीरा कुमार 2004 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रहली। लोकसभा अध्यक्ष बने वाली उप पहली महिला रहली। उनकर पिता जगजीवन राम भारत के चौथा उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कैले रहले। अब बात करे के राजकुमार सिंह के बारे में। राजकुमार सिंह 1975 बैच के पूर्व बिहार आईएएस अधिकारी हुए। राजकुमार सिंह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य कैले बारे। समस्तीपुर में जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के 1990 में रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार कैल गए रहे, तब समस्तीपुर के जिला अधिकारी राजकुमार सिंह ही रहले। 2003 में राजकुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए। वर्तमान में वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बारे। लोकसभा में वो बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेले। अब बात करे के आरसीपी सिंह के बारे में। आरसीपी सिंह के जन्म बिहार के नालंदा में भइल रहे। वो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहले। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी रह चुकल बारे। अभी वो राज्यसभा सांसद बारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बारे। आरसीपी सिंह के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में से एक मानल जाला। अब बात करें के गुप्तेश्वर पांडे के बारे में। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के छोड़ के राजनीति में आ गए। आईपीएस रहते गुप्तेश्वर पांडे के बिहार के धाकर पुलिस अधिकारी में से एक मानल जाला। अभी कुछ महीना पहले संपन्न भइल बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा संभावना जतावल जात रहे कि वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं, पर ऐसा भइल ना। हालांकि चुनाव से ठीक पहले वो बिहार के डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिले और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू में शामिल हो गई। फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे जदयू पार्टी के नेता बारे और राजनीति में हाथ आजमा रहल बारे। तो बिहार के कुछ अधिकारियों के नाम बा जे राजनीति में सक्रिय बा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार के हर खबर से रूबरू रहे खातिर देखत रही बिहारी न्यूज। धन्यवाद।